चलो स्टार्ट करें। देखो तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉरपोरेट अकाउंट की। तो कॉरपोरेट अकाउंट में क्या दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी हैं और उन प्रैक्टिकल्स की थ्योरी भी आ जाती है। अब थ्योरी आ जा रही है तो बच्चे लोगों के साथ तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई प्रैक्टिकल भी नहीं बन पा रहा ना ही थ्योरी बन पा रही है, तो करे क्या, प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा है और थ्योरी भी नहीं हो पा रही है। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है तो प्रैक्टिकल करने का टाइम है नहीं अपने पास, है ना, इतना कम समय के लिए हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। तो मैं ये क्लास आप लोगों के लिए स्पेशली थ्योरी के लिए रखा हूं और एक छोटी सी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा कि आप लोग बहुत कम समय में कॉरपोरेट अकाउंट में आप लोग क्या करोगे। तो मैं ये क्लास बेसिकली थ्योरी के लिए है, थ्योरी के लिए, ठीक है, कॉरपोरेट अकाउंट की थ्योरी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूंगा यूनिट नंबर 5 की। पहले अपन थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लेते हैं कि करना क्या है, उसके बाद फिर अपन इसकी थ्योरी पढ़ना चालू करेंगे। तो आज की क्लास का कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि कितने देर तक चलेगी, जब तक हमारा टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक चलेगी, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में एक लौता चैप्टर है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, या फिर इस चैप्टर को और एक नाम से जाना जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। सुनो मेरी बात, इस चैप्टर के अंदर, ये यूनिट नंबर 5 का एक लौता चैप्टर है, इस चैप्टर से थ्योरी भी आएगी कंफर्म है और एक प्रैक्टिकल भी आएगा कंफर्म। तो मैं तो आप लोगों को यह सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों से अगर प्रैक्टिकल बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिकल अगर बनता है तो गिनती के 10 या 15 ही क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। अगर आपसे प्रैक्टिकल बनता है तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाओ, नहीं बनता तो आज जो मैं आप लोगों को थ्योरी कराने वाला हूं वो करके चले जाना। यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यूनिट नंबर 5 के बाद हम यूनिट नंबर 4 में आएंगे। यूनिट नंबर 4 में दो चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आपको थ्योरी भी करनी है और प्रैक्टिकल भी करना है तो फिर आप एमलगमेशन को स्किप कर दोगे तो चलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर है ना एमलगमेशन का क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर एमलगमेशन का क्वेश्चन आया था। तो इस बार पूरा पूरा चांस है कि इंटरनल, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आएगा ही इसी का ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, चांस बता रहा हूं कि इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आने का चांस ज्यादा है। तो आप लोग इसी की थ्योरी कर लो और इसी का प्रैक्टिकल कर लो। इस चैप्टर में भी बोलोगे तो 6 से 7 क्वेश्चन है, बस उसी को पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता, वही वही क्वेश्चन को रिपीट कर करके देता है, ठीक है। तो आप लोगों को एमलगमेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट नंबर 3 में आ जाओ। यूनिट नंबर 3 में दो चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर को बिल्कुल छोड़ दो, आप क्या कर लो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थ्योरी कर लो और इसी का क्या कर लो, प्रैक्टिकल। तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं बेसिकली जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं बीकॉम वालों को बता रहा हूं, ठीक है, बीकॉम जिनकी एग्जाम है उनके लिए। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसमें आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अच्छे से कर लो और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का प्रैक्टिकल कर लो, बस उसके आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। सारे मेथड सारे एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे ना, अगर आप एक चैप्टर छोड़ रहे हो मतलब इस चैप्टर को आपको 100% करना पड़ेगा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, तब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। या फिर आप एक काम करो, दोनों का क्या पढ़ो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके जाओ, या दोनों की क्या करके जाओ, थ्योरी थ्योरी करके जाओ, तब आप सेफ रहोगे, नहीं तो आप एक ही तरफ हो जाओ, इसी की थ्योरी इसी की प्रैक्टिकल। तो मैं तो रिकमेंड यही करूंगा, ये आपके लिए ज्यादा बेटर है, इसी की थ्योरी और इसी का प्रैक्टिकल कर लो, क्लियर है। चलो यूनिट नंबर 2 में आते हैं। यूनिट नंबर टू में एक चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी और दूसरा चैप्टर है आपका लिक्विडेशन। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी और दूसरा क्या है, लिक्विडेशन। तो आप अगर कर रहे हो तो दोनों की थ्योरी करके जाओ, आप अगर कर रहे हो तो दोनों का प्रैक्टिकल करके जाओ, नहीं तो आप किसी भी एक चैप्टर का क्या कर लो, थ्योरी कर लो, फाइनल अकाउंट का या फिर लिक्विडेशन का, किसी भी एक का थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कर लो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपको ये चैप्टर ज्यादा सूट कर रहा है कि ये वाला, ठीक है। उसके बाद हम यूनिट नंबर 1 में आते हैं। यूनिट नंबर वन में है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल
जिसमें इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आपका, उसको बंद कर लो, और उसके बाद है आपका री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में आता है। दूसरा आता है आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर में दो टॉपिक आता है, इशू ऑफ डिबेंचर और रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, और तीसरा आता है रिडिम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। तो यूनिट नंबर वन थोड़ा सा वॉलेटाइल यूनिट है, मतलब अपन है ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यूनिट नंबर वन में क्या आएगा, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंटली क्या आता है बोलूं तो इशू ऑफ शेयर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अगर अच्छे से कर लेते हो तो बाकी का दो टॉपिक, इसी की चैप्टर की थ्योरी और इसी का प्रैक्टिकल, तो मैंने जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर किया होगा उसके क्वेश्चंस कर लिए ना अगर आप लोग, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है, वो अब डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट नंबर 5 से, रिवर्स चलूंगा रिवर्स, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में एक चैप्टर है हमारा कौन सा, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन। एक मिनट रुक जाओ, हाँ बोलो। हाँ मैं अभी बीकॉम ओरिएंटेड बात कर रहा हूं पूरी, हाँ क्योंकि इनका अभी परसों पेपर है ना, तो उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। एक मिनट, टॉपिक कॉमन होगा, यूनिट बस आगे पीछे आप लोगों का मैच नहीं करेगा। चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ, मैंने जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए थे उसको भी मैं ओपन कर लेता हूं। हितेश ये ला गेट लगा दो तो भाई, ये ला नहीं नहीं उसको खुले रहने, उसको बंद। चलो देखो, तो मैं अभी आप लोगों से पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसकी बात कर रहा हूं, पूरे थ्योरी का आप लोगों को शायद मिल गया होगा सबको, है ना। तो मैं यूनिट नंबर 5 की बात कर रहा हूं, तो यूनिट नंबर 5 देखो क्या बोलता है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे बस अभी। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, आपको इसकी पहले क्या लिखनी है, होल्डिंग कंपनी के बारे में उसकी मीनिंग लिखनी है और सब्सिडियरी कंपनी की मीनिंग लिखनी है। How do you compute the following while preparing consolidated balance sheet of holding company and its subsidiary company? मतलब ये आपको एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि आप निम्नलिखित फॉलोइंग की कैलकुलेशन कैसे करोगे जब आप होल्डिंग और सब्सिडरी की कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे। एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन। पहला है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, याद है प्रैक्टिकल जब पढ़े थे तो क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हो बताना है। तो पहले इसकी मीनिंग बताओगे, मीनिंग बताने के बाद उसकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर। अब ये मत बोलना सर इसका 5 पेज का आंसर कैसे लिखेंगे, नहीं लिखना है 5 पेज का आंसर, मुश्किल से 1.25 पेज का भी आंसर हो गया ना तो बहुत है, ठीक है। उसके बाद इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है उसके बारे में लिखना है, गुडविल क्या होता है उसके बारे में लिखना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में लिखना है, ठीक है। भाई एक काम करो ना, रोज जो दो लड़के लोग बैठे ना उधर, उनको बोलो उस क्लास में बैठेंगे, मेरे को ना उनकी आवाज से एकदम डिस्टर्ब हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी, वही क्वेश्चन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। हाउ इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एक्सप्लेन। तो ये आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जरूर है, और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, लेकिन मैं जब अब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं सारे टॉपिक बता दूंगा, जो पूछेगा उसको परोस के दे देना है,
व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी तो लिखना ही है। अब आपको ये इंडिविजुअली पूछेगा ये कैसे कैलकुलेट होता है, उसकी मीनिंग क्या बताओ, तो वो बता देंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा वो भी बता देंगे। बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी बता देंगे। करें स्टार्ट। चलो देखो, सबसे पहले सर इतना सारा पढ़ेंगे तो उसको एग्जाम में कैसे याद करके रखेंगे। सबसे पहली बात सुनो मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं, एक होता है मीनिंग वाला पोर्शन, मीनिंग मतलब इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, जो अपनी जनरल भाषा में लिखना पड़ता है, जनरल लैंग्वेज में। तो इंट्रो वाला जो पैरा आप लोग लिखोगे ना, इंट्रो वाला पैरा, वो एक आप बेसिक चीज अपने ध्यान में रख लेना, ठीक है, और उसको हल्का सा दिमाग में रख के जो आपके मन में आ रहा है वो जाके लिख देना। डेफिनेशंस रट के जानी पड़ेगी, इतना याद रखना, डेफिनेशन का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी पढ़ेंगे, ये भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी कैसे बनता है, उसके बाद कौन कौन से स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से रिपोर्ट बनाने पड़ते हैं उनको, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अभी जैसे जैसे क्लास हो रही ना, इसकी छोटी सी समरी बनाते चलना। तो समरी बनाने के लिए ना, जो जो मैं की पॉइंट्स को अंडरलाइन करूंगा ना, आप लोग उसको लिख लेना कहीं पे, नहीं तो ये पीडीएफ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, वही वही याद करना, फिर एग्जाम में उसको याद करके जाओगे तो उसी को फिर अपने को एक्सप्लेन करना है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो थ्योरी दिख रही है, ये होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी की थ्योरी है। देखो, इफ अ कंपनी हैव कंट्रोल ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हैव मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट्स, सच कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी और कंट्रोलर कंपनी, एंड द अदर कंपनी ऑन विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। सुनो मेरी बात, क्या लिखा है उसका मतलब, मान लो एक कंपनी है, इसका मान लो नाम रख देते एस लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है इसका नाम है मान लो एच लिमिटेड। ये कंपनी जो है एच लिमिटेड जो है एस लिमिटेड के दो तरीके से कंट्रोल कर सकती है, या तो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो मेन होते हैं ना कंपनी को चलाने वाले, कंपनी से रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एच लिमिटेड अगर एस लिमिटेड के पूरे बीओडी को कंट्रोल करती है, या फिर एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के मोर देन 50% या 50% और मोर एक्वायर कर लिए हैं। दो कंडीशन मैंने बोला आप लोगों को, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करना चालू कर दिया, या फिर 51% या उससे ज्यादा इस कंपनी के क्या कर लिए, शेयर खरीद लिए। तो जिस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल किए, तो उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी कंपनी। इसको क्या बोलेंगे हम, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। और ये वाली जो कंपनी है इसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, या फिर इसको और एक नाम दिया गया क्या, कंट्रोलिंग कंपनी, क्लियर है, वही उस तीन लाइन में लिखा हुआ है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो क्या होता है सुनो, ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी है और ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी है, दोनों मिल नहीं जा रही है, ये अपना अलग बिजनेस कर रही है, अपना अलग बिजनेस कर रही है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी इस कंपनी को किसी तरीके से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, और कंट्रोल कब पर करने की पावर कहां से आई, ये कंपनी ने पूरे बीओडी को कंट्रोल करना चालू कर दिया, तो अल्टीमेटली ये कंपनी कंट्रोल होना चालू हो गई, या फिर इस कंपनी ने 51% से ज्यादा शेयर खरीद लिए तो वो कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि शेयर जिसके पास होता है उसके पास वोटिंग राइट होती है, तो वोट वो अपने ही फेवर में करेगा, हर चीज में डिसीजन लेना है वोटिंग करेगा, अपने हिसाब से चीजें चलवाएगा वो। तो मतलब कुल मिला के ये कंपनी इस कंपनी को कंट्रोल कर रही है, लेकिन दोनों कंपनी अपने अपने जगह पर काम कर रही है। तो जब होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है ना, जब कंपनियां अपनी बैलेंस शीट बनाती है फाइनली
साल के आखिरी में कंपनियों को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ना, तो होल्डिंग कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, सब्सिडरी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, लेकिन कानून कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट यह है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को अपनी कॉमन बैलेंस शीट बनाकर बतानी पड़ेगी। उस बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये कंपनी को बना के दिखाना पड़ेगा। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट और सब्सिडरी कंपनी बैलेंस शीट का मिक्सचर, ठीक है, दोनों को मिक्सचर। चलो आगे देखते हैं। अब होल्डिंग कंपनी वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका। होल्डिंग कंपनी पहली बार कब एस्टेब्लिश हुई, कहां पर एस्टेब्लिश हुई? अमेरिका में। इन इंडिया होल्डिंग कंपनी वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 1913। मालूम है ना, समय समय में कंपनी एक्ट जो है अमेंडमेंट होते होते, अपडेट होते होते, उसका साल चेंज। अभी आप लोग जो कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, कौन सा कंपनी? 2013। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कंपनी एक्ट 1956। उसके पहले भी बहुत बार नए नए कंपनी एक्ट आया, समय के हिसाब से बदलते गए। तो जब पहली बार 1913 में कंपनी एक्ट आया था उस समय इंडिया में, तब होल्डिंग सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में। नहीं तो पहली बार कहां आया था? ये अमेरिका में। ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया? उसके बाद आगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इन कॉमन परलेंस, अ होल्डिंग कंपनी इज वन दैट होल्ड्स मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स और कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर कंपनी, एंड अ सब्सिडरी कंपनी इज वन विच इज कंट्रोल्ड बाय द अदर कंपनीज। इन वर्ड्स ऑफ गेस्टनबर्ग, एनी कंपनी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अनदर टू द एक्सटेंट दैट इट इज मियर इंस्ट्रूमेंट टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द ओइंग कंपनी इज कॉल्ड अ सब्सिडरी कंपनी। तो ये दो है ना डेफिनेशन, आप लोगों को क्या करना है? याद करके जाना है कौन कौन सी दो डेफिनेशन जो जो मैंने टिक कर दी वो। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 287, आप लोगों को यहां पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में क्या लिखा हुआ है? होल्डिंग कंपनी की मीनिंग, और सेक्शन 287 के अंदर में क्या लिखा हुआ है? सब्सिडरी कंपनी की मीनिंग। एक बार रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। एक तो ना जो लीगल डेफिनेशन होती है ना, लीगल डेफिनेशन वो ऐसी होती है कि जिसको है ना अपन समझने की कोशिश करेंगे ना तो वो समझ में आती नहीं है। मैं आप लोगों के हिसाब से बोल रहा हूं, उसका बहुत बड़ा मीनिंग है अपने आप में, लेकिन जो कानून के अंदर एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन लिखी होती है ना, उसको अपन सामान्य लोग जल्दी से समझ नहीं पाते। तो इसलिए इसको है ना रटने की कोशिश करना, समझने और याद करने की कोशिश मत करना। बस ये समझ लेना कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 के अंदर होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, और सब्सिडरी कंपनी के अंदर सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन कहां लिखी हुई है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। अब आप लोग बोलोगे सर सेक्शन भी याद करके जाना है क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये शुरू का जो ये जो पैरा है, शुरू का जो ये पैरा है, ये तो सिर्फ किसकी बात करता है? डेफिनेशन की। तो इसको आप लोगों को क्या करके जाना है? याद करना है, ठीक है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखो हमसे तो प्रैक्टिकल बन नहीं रहे हैं, हमसे मतलब आप लोगों से, तो एक ही आपके पास चारा है कि यूनिट नंबर 5 में अगर आया तो आप लोगों को थ्योरी लिखनी है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, इतना याद तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन हाफ टोटल शेयर कैपिटल आइदर एट इट्स ओन और टूगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब क्या? सुनो, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि होल्डिंग कंपनी कब किसी कंपनी की होल्डिंग बन जाएगी, मतलब एक सब्सिडरी की कंपनी की होल्डिंग कब बनेगी, दो कंडीशन है। पहला
पहला कि ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने लग जाए, दूसरा कंडीशन क्या है कि वो उसके आधे से ज्यादा शेयर को एक्वायर कर ले। तो दो कंडीशन में वो क्या कर सकती है, इस कंपनी की होल्डिंग बन सकती है। अब शेयर एक्वायर करने की बात आती है ना, तो उसका तरीका है, जैसे मान लो ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है और एक सी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड में 100% शेयर खरीद के रखी हुई है। ए लिमिटेड जो है बी लिमिटेड में क्या करके रखी हुई है, 100% शेयर खरीद के रखी है। तो बताओ बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी हुई कि नहीं हुई, हुई। और बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड के मोर देन 60% या 60% शेयर खरीद के रखी हुई है। तो एक होल्डिंग कंपनी है, तो ये वाली होल्डिंग कंपनी की तो ये सब्सिडरी हुई, तो बताओ ये वाली होल्डिंग की ये सब्सिडरी हुई कि नहीं हुई, हुई। अगर तो ए लिमिटेड ने कैसे खरीदा, यहां पर मैंने बताया कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को खरीद लिया, तो डायरेक्ट खरीद लिया। या फिर ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड को कैसे खरीदा, बी लिमिटेड के माध्यम से खरीदा। तो इस लाइन में यही बात लिखी हुई है, पढ़ो वापस से। अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी तभी बनेगी यदि कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहला। दूसरा, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल आइदर एज इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरी। मतलब या तो खुद ही खरीद ले किसी कंपनी का पार्ट, या फिर अपनी किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर और किसी कंपनी का खरीद ले, तो भी उस कंपनी का क्या बन जाएगा, होल्डिंग बन जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ी सी जो डेफिनेशन वाला पार्ट है आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो आप लोगों को क्या करना है, सुनो। आपने ऊपर की बात लिख दी ना ये वाली, तो यहां पर पूरी बात हो गई है। इसके बाद मैं जो जो टिक कर रहा हूं आपको वही वही आपके आंसर में लिखना चाहिए, आपके आंसर में वही वही होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको लिखना है, इफ अ कंपनी हैव कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट, सच अ कंपनी इज कॉल्ड होल्डिंग और कंट्रोलिंग कंपनी, एंड द कंपनी ऑन विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज इज कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। ये जो मैंने तीन लाइन अंडरलाइन किए हैं, ये आपको आंसर का पार्ट होना चाहिए। ये एकदम इजी लैंग्वेज है, ठीक है। ये वाला पार्ट कब आया, कैसे आया, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको दो ठोक डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी पूछ दिया तो एक तो गेस्टनबर्ग के हिसाब से और एक कॉमन परलेंस। कॉमन परलेंस मतलब जनरल भाषा में जो बोला जाता है वो। बस इधर आपको इधर वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या क्या लिखना है समझ में आ गया? ये तीन लाइन लिखनी है और एक ये लिखना है और एक ये लिखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसका पीडीएफ भेज दूंगा, फोटो मत लो, गैलरी फुल होगी और कुछ नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। ये जो मैं टिक कर रहा हूं उसी को ही आप लोगों को लिखना है। हाँ, अंडरलाइन जैसा यहां पर लिख रहा हूं मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं और आप लोगों को वैसा ही भेजूंगा। आगे देखते हैं, चलो। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अपनी बात यहीं पर पूरी हो गई है, पहले तीन लाइन और दो ठोक डेफिनेशन, ठीक। चलो अब अपन बात करेंगे मेन चीज, ऑब्जेक्ट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्ट्स, क्यों कोई कंपनी एक कंपनी की होल्डिंग बन जाती है या किसी और कंपनी को एक कंपनी अपनी सब्सिडरी बना लेती है, कारण क्या है, उसके पीछे उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य। हाँ चलो लाइन से पढ़ते जाते हैं अपन। पहला ऑब्जेक्ट, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन अमंग द वेरियस कंपनी, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन अमंग वेरियस कंपनी। जैसे आप लोगों को पता है कि एक कंपनी है, दूसरी कंपनी वो उसको कॉम्पिटिशन दे रही है बहुत, तो एक काम करो, एक कंपनी उसको एक्वायर कर ली, अब कहां ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर ली, उसके कंट्रोल करने चल गई, तो वो कंपनी क्या बन गई, उसकी होल्डिंग बन गई और वो उसकी क्या बन गई, सब्सिडरी। कॉम्पिटिशन खत्म, वो जो कमाएगी उसका प्रॉफिट का हिस्सा तो इसी को मिलना है, कर लो बोले कॉम्पिटिशन, अब कितना करोगे। वाइफ ऑफ डीमेरिट्स रिलेटेड विथ एमलगमेशन, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन मतलब तो पता होगा। एक टॉपिक होता है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने आप में समा लेती है, मिला लेती है, ठीक है। तो उस टाइप का जो प्रोसेस होता है ना, एक कंपनी अपने आप को दूसरे कंपनी में मिला लेती है, उसको बोलते हैं एमलगमेशन। तो उसके अपने कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो उसके जो डीमेरिट्स है वो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वाला जो सिस्टम है ना, उसमें वो डीमेरिट्स खत्म हो जाते हैं। अब वो क्या डीमेरिट है हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
एक होता है एमलगमेशन। एमलगमेशन में क्या होता है, एक कंपनी होती है और एक दूसरी कंपनी होती है, तो ये जो दूसरी वाली कंपनी है ना, ये जाके क्या हो जाएगी, पहली वाली कंपनी में मिल जाएगी। तो इसका अब उस पुरानी वाली कंपनी का एग्जिस्ट खत्म हो जाएगा। और होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में क्या होती है, दोनों कंपनी अपने जगह पर रहती है, काम करती है, लेकिन ये जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो एमलगमेशन के अपने कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो होल्डिंग और सब्सिडियरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, एमलगमेशन के डीमेरिट को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। वाइप ऑफ लिखा है ना, वाइप ऑफ मतलब मिटा देता है। वाइप ऑफ को आप एलिमिनेट भी बोल सकते हो या रिमूव भी बोल सकते हो, ठीक है। टू इन्वेस्ट फंड बाय रीजनेबल एंड प्रॉफिटेबल मेथड, टू इन्वेस्ट फंड बाय रीजनेबल एंड प्रॉफिटेबल मेथड। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पर जो फंड इन्वेस्ट किया जाता है वो रीजनेबल और प्रॉफिटेबल मेथड को देखकर किया जाता है। रीजनेबल और प्रॉफिटेबल मेथड मतलब भाई आप कहीं पे पैसा लगाओगे, कहीं पे आप एक सिंपल से मान लो इन्वेस्टर हो, कहीं पे पैसा लगाओगे तो पहले रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे कि नहीं अपना। रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या समझते हो, जैसे मान लो मेरे पास अभी 10 लाख रुपए पड़ा है, ये 10 लाख रुपए को मैं बैंक में ले जाके जमा करूंगा, तो बैंक में ले जाके जमा करूंगा एफडी कराना है मान लो, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को कहीं पे 5% दे रही है बैंक, कहीं पे 6% दे रही है, कहीं पे 4% दे रही है ना, कहीं पे 10% दे रही है। अलग अलग एफडी की अलग अलग स्कीम होती है। तो जो रीजनेबल रेट होता है मतलब जो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, एवरेज रेट बोल सकते हैं। और जहां पर मैं पैसा लगाऊंगा भाई मेरे को तो बाकियों से ज्यादा मिलना चाहिए, तो रीजनेबल भी होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तो यहां पे होल्डिंग और सब्सिडियरी वाला कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद आगे टू सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपनी, क्या होती है, बहुत सारी कंपनी जो होती है उसके मैनेजमेंट को क्या करने का उद्देश्य रहता है, सेंट्रलाइज, एक जगह से उसको मैनेज किया जाए। क्योंकि उसका एक कंपनी उसका मैनेजमेंट अलग देख रहा है, एक कंपनी उसका मैनेजमेंट अलग, तो उससे क्या होता है, मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इनका। आई मेरी बात समझ में। उसके बाद टू इन्वेस्ट प्रॉफिट अर्न्ड इन अदर एवेन्यूज, टू इन्वेस्ट प्रॉफिट इन अदर एवेन्यूज, टू इन्वेस्ट प्रॉफिट अर्न्ड इन अदर एवेन्यूज। मान लो एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी, ये कंपनी है, ये कंपनी, इसकी होल्डिंग और सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है और इसकी 4 सब्सिडरी है। मान लो ये कंपनी जो है इसमें बहुत पोटेंशियल है, अभी ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, मतलब इसमें बहुत ग्रोथ दिख रहा है फ्यूचर में। तो ये कंपनियां जो प्रॉफिट कमा रही है, ये होल्डिंग जो प्रॉफिट कमाई, उसकी जो बाकी सब्सिडी कमाई, उसके प्रॉफिट को इस वाली कंपनी में क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, ताकि इस कंपनी के ग्रोथ को ठीक ठाक बढ़ाया जा सके फ्यूचर के हिसाब से। तो वही लिखा हुआ है, टू इन्वेस्ट प्रॉफिट अर्न्ड इन अदर एवेन्यूज। या फिर उसका उल्टा एग्जांपल कि एक होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी है मान लो 3, ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है, बहुत चल रही है, तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट कमाया हुआ है वो उसकी दूसरी सब्सिडरीज जहां जरूरत है वहां पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। मतलब एक होल्डिंग की बाकी की सब्सिडरी के प्रॉफिट को दूसरे जगह यूज किया जा सकता है। तो इसको बोलेंगे टू इन्वेस्ट प्रॉफिट अर्न्ड इन अदर एवेन्यूज। टू ब्रिंग सिमिलैरिटी इन बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसी में सिमिलैरिटी लाने के लिए होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। टू इंप्रूव द कंडीशन, टू इंप्रूव द कंडीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के कंडीशन और एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है। तो इसको अपन ने क्या पढ़ा, होल्डिंग कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, होल्डिंग कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टोटल अपन ने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े, 7। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन। अब आप लोगों को जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, बस उतने उतना लिख लेना है कागज में, तो बाकी का जो है ना काट देना उसको, तो आप लोगों को याद रहेगा छोटा छोटा टॉपिक लिखा हुआ। सबसे पहले क्या लिखना है, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन, टू वाइप ऑफ डीमेरिट ऑफ एमलगमेशन, ठीक है, टू इन्वेस्ट फंड बाय रीजनेबल एंड प्रॉफिटेबल मेथड, टू सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कंपनी, टू इन्वेस्ट प्रॉफिट अर्न इन अदर एवेन्यूज, टू ब्रिंग सिमिलैरिटी इन बिजनेस पॉलिसी, टू इंप्रूव कंडीशन एंड एफिशिएंसी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। नहीं होगा याद, 7 पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को जो टिक करवाया कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की मीनिंग, ये 3 लाइन, उसकी 2 डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स पेपर में आ गया ना, ये चिपका किया ना, कॉमन आंसर। अब आगे जो पूछेगा आपको उसका जवाब देना है। अब पूछ लेगा आपसे होल्डिंग कंपनी की मीनिंग क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी की मीनिंग क्या होती है, हमने लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए,
अब पूछ लेगा टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है, तो वही बताना। अब नहीं पूछेगा तो मत बोलना, आपको पहले ये पूछे चाहे मत पूछे आपके आंसर में तो ये लिखा हुआ होना चाहिए, इतना इतना मतलब जो जो मैंने टिक किया है वो वाला, ये आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए, कॉमन आंसर। अब आपसे जो पूछेगा वो आपको लिखना है। पहला, अगर आपको पूछ लिया टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी तो आप लिखकर बताना टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या है। अब आपको पूछेगा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी तो आपको वो लिख के बताना है। अब सिलेक्टिव आंसर जो पूछेगा वही बताना है। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे, नहीं इसमें फॉर्मेट नहीं पूछेगा, फॉर्मेट नहीं इसमें कैलकुलेशन पूछेगा। हाँ चलो, टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी विच आर डिस्कस्ड एज बिलो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी विच आर डिस्कस्ड एज बिलो। पहला क्या है, प्राइमरी और एपेक्स होल्डिंग कंपनी। पहले तो नाम याद करो, अंदर की चीजें हम याद कर लेंगे, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी और एपेक्स होल्डिंग कंपनी। दूसरा, पेरेंट होल्डिंग कंपनी। तीसरा, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। तीसरा, प्योर होल्डिंग कंपनी। चौथा, पांचवा, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। छठवा, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। उसके बाद फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। उसके बाद प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। आठ टाइप्स यहां पर डिस्कस किए गए हैं होल्डिंग कंपनी के टाइप्स। तो पहला टाइप अपन ने क्या देखा, प्राइमरी या फिर उसको एपेक्स होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। दूसरा टाइप क्या था, पेरेंट होल्डिंग कंपनी। तीसरा, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। चौथा, प्योर होल्डिंग। पांचवा, इंटरमीडिएट होल्डिंग। छठवा, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। और सातवा, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। और आठवा, लास्ट प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। पहले तो नाम याद करो भाई आठों। पहला तो सामने, पहला तो याद है प्राइमरी और एपेक्स, और बाकी का नाम याद करो, मैं आप लोगों से पूछूंगा अभी दो मिनट में। हो गया यार, कोई बता के बता सकता है, आर्यन बोलो। हाँ 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 चार हो गए। आप बोलो आशीष, जैसा सीक्वेंस इसमें कोई मैटर नहीं करता। हाँ 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 तीन और, ठीक है चलो आप लोग याद कर लेना इसको। हाँ तो पहला तो प्राइमरी था, दूसरा क्या था, पेरेंट होल्डिंग कंपनी। तीसरा, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। उसके बाद प्योर होल्डिंग कंपनी, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, मिक्स्ड और ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, फाइनेंस और प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। अब सुनना मेरी बात, कभी भी टाइप्स पूछ लेगा ना आपसे तो चेक करने वाले के पास है ना आंसर आता है, मॉडल आंसर आता है कि उसी को देख के चेक करते हैं। तो जब उनके पास आंसर जाएगा तो ये सब नाम लिखे रहेंगे, तो चेक करने वाला चेक करेगा तो उसको ये सब नाम नहीं दिखेंगे ना, तो नंबर काट देगा वो। नंबर क्यों कटता है थ्योरी में, क्योंकि सामने वाला जो चेक करने बैठा है वो आप उसको दे ही नहीं रहे हो। टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनी आएगा तो क्या पन्ना भरना है तो कुछ भी लिखकर आओगे क्या भाई, जो एग्जैक्ट नाम है वही तो लिखकर आना पड़ेगा। तो ये आठ नाम नहीं दिखेगा ना उसको तो नहीं देगा नंबर। फिर अंदर का भले आप लोग जो लैंग्वेज है अपने मन से लिख सकते हो, क्लियर है। चलो एक बार जल्दी जल्दी अपन इसको रीड करते हैं। Primary or apex holding company is such a company which is having several subsidiary companies, but it shall not be a subsidiary of any other company. Primary company is having control over several company, but it shall not be controlled by other. Primary holding company का मतलब यह होता है एक ऐसी holding company जिसकी multiple subsidiary company होगी, एक ऐसी holding company जिसकी क्या होगी, बहुत सारी subsidiary company होगी।
मल्टीपल, एक से ज्यादा, ठीक है, लेकिन इस होल्डिंग कंपनी की और कोई दूसरी होल्डिंग कंपनी नहीं होगी। तो इस टाइप का होल्डिंग कंपनी वाला स्ट्रक्चर अगर है होल्डिंग सब्सिडरी वाला, तो इस टाइप की जो होल्डिंग कंपनी होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी या फिर एपेक्स। कि इसके ऊपर और कोई कंपनी नहीं है, पहली कंडीशन, और दूसरा इसके नीचे बहुत सारी सब्सिडरी होंगी। इस टाइप की अगर होल्डिंग कंपनी तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी होल्डिंग कंपनी। आया समझ में? दूसरा, पेरेंट होल्डिंग कंपनी। पेरेंट होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी विच एस्टैब्लिशेस अंडर सब्सिडरी कंपनी टू हैव टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ कॉम्बिनेशन। पेरेंट होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी विच एस्टैब्लिशेस अदर सब्सिडरी कंपनी टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब पेरेंट होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी विच establishes other subsidiary company to derive the benefit of combination। यहां पे भी बोलने का मतलब वही चाह रहा है, पेरेंट, पेरेंट मतलब कौन होते हैं पहले एक बात बताओ। पेरेंट मतलब अगर इंसानों की बात करें तो पेरेंट मतलब कौन, मम्मी पापा। तो पेरेंट होल्डिंग कंपनी मतलब इसके अंदर मल्टीपल सब्सिडरी यहां पर भी हो सकती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को भी क्या बोल सकते हैं, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, पेरेंट होल्डिंग। तो ये जो होल्डिंग कंपनी होगी इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट। तो पेरेंट वाला भी अब यहां पर ऐसा बोल रहा है कि इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं होगी, इसके ऊपर मान लो एक और कंपनी है, चलेगा? ये तो पेरेंट है ना इसकी, और इसकी पेरेंट कौन है, इसकी, ये है। मतलब होल्डिंग कंपनी को ही यहां पर क्या बोला गया है, पेरेंट। क्लियर है? अगला, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग मतलब एन ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर इट्स सब्सिडरी आर एस्टैब्लिश्ड। सच होल्डिंग कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड विद पर्पस टू गेट बेनिफिट फ्रॉम एमलगमेशन। क्या बोल रहा है, ऐसी होल्डिंग कंपनी नॉर्मली क्या होता है, होल्डिंग कंपनी एग्जिस्टेंस में पहले आती है और बाद में उसकी सब्सिडरी एग्जिस्टेंस में आती है। नॉर्मली क्या होता है, मम्मी पापा आते पहले कि बच्चे लोग आते पहले, पहले मम्मी पापा आते बाद में फिर बच्चे आते, नॉर्मली यही तो होता है। लेकिन यहां पर जो अभी बात हो रही ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है कि पहले ना सब्सिडरी कंपनी बना लो भाई, पहले क्या कर लो, सब्सिडरी कंपनी बना लो, ये सब अपना अपना काम करने लग गए, बाद में क्या बन जाओ, एक होल्डिंग बना लो अपनी। पहले सब्सिडरी बनेगी बाद में उसकी होल्डिंग बनेगी। इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। मतलब पहले सब्सिडरी आ गई एग्जिस्टेंस में, सब्सिडरी अपना काम वाम करना चालू कर दी, बाद में उसके लग रहे कि हाँ होल्डिंग कंपनी बना दिया जाना चाहिए, तो अब होल्डिंग कंपनी बन रही है। क्लियर है? उसके बाद आगे, प्योर होल्डिंग कंपनी। प्योर, प्योर होल्डिंग कंपनी डज नॉट हैव इट्स ओन बिजनेस। दिस कंपनी टेक्स ओवर अदर कंपनी शेयर इन मेजोरिटी टू एस्टैब्लिश सब्सिडरी कंपनी। मेन बिजनेस सब्सिडरी चला रही है। आप लोगों को मालूम है, अब मैं तो इतना मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, चलो एक कंपनी है मान लो, नाम नहीं लेता किसी कंपनी का, ये कंपनी अपने आप में बहुत तगड़ा बिजनेस कर रही है। कौन सी, पहली सब्सिडरी, इसका भी अपने आप में ठीक ठाक बिजनेस है, इसका भी, सबका अपने आप में अच्छा अच्छा खासा बिजनेस है। और ये वाली जो कंपनी है ना, ये वाली कंपनी, ये इसमें इनमें इन्वेस्ट करके रखी पैसा, और इसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। हरी बात सुन में, इसका खुद का अपना कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ होल्डिंग बन के रह गई है, और इनका खुद का अपना अपना तगड़ा बिजनेस है। तो ये प्योर होल्डिंग कंपनी, इसका कोई बिजनेस नहीं है। तो इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्योर होल्डिंग कंपनी। आई बात समझ में, कि ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसका खुद का तो कोई बिजनेस नहीं है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन बिजनेस, बट इट बिकम होल्डिंग कंपनी ऑफ अदर सब्सिडरी कंपनीज जिसका खुद का अपना अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, टाटा, टाटा ग्रुप सुनो, टाटा ग्रुप, एक एग्जाम्पल दिखाऊं आप लोगों को, टाटा मोटर्स नहीं दिखाना था, टाटा ग्रुप का बताना था। ये देखो, ये टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप सुनो, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का खुद का कोई बिजनेस नहीं है,
लेकिन टाटा ग्रुप में टाइटन में भी लगा के रखा है पैसा, टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स भी है, टाटा ग्रुप का टीसीएस भी चलता है, टाटा का पावर भी है, क्रोमा भी है, टाटा स्टील भी है, वोल्टास, ये सब टाटा के ब्रांड है अलग अलग, और ये सब अपनी अपनी कंपनी है, और ये सब क्या है, सब्सिडरी है, और इनकी पेरेंट कंपनी क्या है, टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप जो है वो प्योर होल्डिंग है, क्योंकि उसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। आई बात समझ में? चलो उसके बाद बात करेंगे इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी। इंटरमीडिएट होल्डिंग इज अ सच अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एनी अदर कंपनी, द कंपनी कंट्रोल इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी एंड कंट्रोल्ड बाय अदर कंपनी टू। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी मतलब, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, एक होल्डिंग कंपनी है, इसके नीचे एक ए लिमिटेड है और उसके नीचे क्या है, एक और सब्सिडरी है। तो ये जो ए लिमिटेड है इसकी होल्डिंग है कि नहीं, और ये ए लिमिटेड इसकी सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं। तो एक ऐसी कंपनी जो खुद किसी और की सब्सिडरी है लेकिन दूसरे कंपनी की क्या है, होल्डिंग है, तो इस टाइप की कंपनी को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, बीच की। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ठीक है। आप ये सारी चीजों को अपने भाषा में लिख सकते हो, नाम बस आपको गलत नहीं लिखने। मैं आपको सबकी मीनिंग समझा दे रहा हूं, क्योंकि पढ़ के ना आप लोगों को इतना नॉलेज तो है नहीं कि पढ़ के आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ पाओ, तो इसलिए क्लास लगाने का पर्पस यही था कि कम से कम थ्योरी तो लिख कर आ जाओ भाई आप लोग, ठीक है। और थ्योरी में एवरेज अगर अच्छे खासे थ्योरी लिखोगे तो 10 मार्क्स कहीं नहीं जाता एक थ्योरी क्वेश्चन में। हाँ बोलो। एच का, हाँ, और एस जो है ए का, कम ए का है। मैं अभी बात यहां पर ए की हो रही है ना, तो ए की, ए होल्डिंग जो है, ए जो है वो होल्डिंग एस का है, और ए सब्सिडरी किसका, एच का है। तो एच जो ए होगा ना, ए वो इंटरमीडिएट होल्डिंग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी इज सच अ कंपनी वेयर डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल मैटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिव कंपनी, ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी इज टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड मेक द टास्क इजी। क्या बोल रहा है सुनो, एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर है। अरे बात समझ में? सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो किसके डायरेक्टर है, होल्डिंग के भी डायरेक्टर है, ताकि बिजनेस अच्छे से इफेक्टिवली चल सके। और इन लोग है ना सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर, होल्डिंग कंपनी के भी फाइनेंशियल मैटर में अपना इंटरेस्ट ले सके। तो इस टाइप की कंपनी को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जिसके, ऐसी कंपनी जहां पर सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर उस होल्डिंग कंपनी के भी डायरेक्टर है, ताकि उन लोग इंटरेस्ट ले सके फाइनेंशियल मैटर में, तो उस टाइप की कंपनी को क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी। उसके बाद फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। फाइनेंस होल्डिंग कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फैसिलिटी टू इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी इज कॉल्ड फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कंपनी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल फैसिलिटीज, मेनली दिस कंपनीज आर हैविंग इंटरेस्ट इन प्रमोशन, अंडरराइटिंग एंड मार्केटिंग। मतलब एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जो बनाई सिर्फ इसीलिए गई है ताकि अपनी सब्सिडरी को क्या प्रोवाइड कर सके, फाइनेंस, पैसा दिला सके काम करने के लिए। तो इस टाइप की होल्डिंग कंपनी को क्या बोला जाएगा, फाइनेंस होल्डिंग कंपनी। नाम से ही पता चल जा रहा है, बहुत सारी होल्डिंग कंपनियां तो ऐसी जिसका नाम से पता चल जा रहा है हमको कि वो किस लिए बनाई गई होगी, है ना। उसके बाद लास्ट प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी होल्ड्स द राइट ओवर होल कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड इट्स एंड इज हैविंग फुल कंट्रोल ओवर इट्स सब्सिडरी कंपनी। प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी होल्डिंग कंपनी जिसने अपनी सब्सिडरी कंपनी के पूरे शेयर्स को क्या करके रखे हैं, एक्वायर, 100% शेयर खरीद लिया और पूरा कंट्रोल किसका है, हाँ, पूरा कंट्रोल किसका है, होल्डिंग कंपनी का। तो इस टाइप की कंपनी को बोला जाएगा प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी। क्लियर है? तो ये हो गया भाई आपके होल्डिंग कंपनी के टाइप्स। तो 8 नाम मेरे को बता सकते हो, पहला क्या था, प्राइमरी, दूसरा क्या था, पेरेंट, तीसरा क्या था,
ऑफस्प्रिंग, चौथा इंटरमीडिएट, पांचवा मिक्स्ड या ऑपरेटिव, ठीक है, छठवा प्योर, और सातवा फाइनेंस, और आठवा प्रोप्राइटरी। ये याद रहेगा आप लोगों को? आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है भाई? आप लोग है ना हैंड रेस करके मेरे से पूछ सकते हो। अजय, अक्षत, अंश, अविरल, दीक्षा, दीप्ति, डॉली, गुरशन, हर्षित, जानवी, जस्टिन, करण, कीर्तन, खुशबू, माही, निशांत, रितेश, तस्नीम, तुषार। हाँ माही, आपने हैंड रेस किया था, कुछ डाउट है बोलो। ऑफ स्प्रिंग वाला आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, देखो ऑफ स्प्रिंग वाला मैं एक बार बता देता हूं। ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी, एन ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर इट्स सब्सिडरी आर एस्टेब्लिश्ड। सच होल्डिंग कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस टू गेट बेनिफिट फ्रॉम एमलगमेशन। देखो क्या होता है, ऐसी होल्डिंग कंपनी जो पहले नहीं थी, पहले कौन सी कंपनी आई एग्जिस्टेंस में? सब्सिडरी कंपनी आई। सब्सिडरी कंपनी को बना दिए, एस्टेब्लिश कर दिए, इसका बिजनेस रनिंग पोजिशन में आ गया, ठीक है। मान लो दो सब्सिडरी कंपनी बना दिए, इनका बिजनेस जो है रनिंग पोजीशन में आ गया। अब इनको जरूरत महसूस कर रही है कि अब इनकी एक होल्डिंग कंपनी होनी चाहिए, कंट्रोल मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी बाद में बैठा दिए। बाद में पहले कौन आया? सब्सिडरी कंपनी एग्जिस्टेंस में। बाद में कौन आया? होल्डिंग कंपनी। तो इस तरीके से होल्डिंग कंपनी की एग्जिस्टेंस बाद में आ रही है सब्सिडरी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो इस टाइप की कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को क्या बोलेंगे? ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी। नॉर्मली क्या होता है, पहले होल्डिंग कंपनी आती है, बाद में कौन आता है? सब्सिडरी। लेकिन यहां पे पहले सब्सिडरियां आ गई है, उसके बाद कौन आ रहा है? होल्डिंग। तो इस टाइप की कंपनी को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। ये ऐसा बनाया क्यों जाता है? ये बनाया इसका इसलिए जाता है क्योंकि एमलगमेशन में अपने खुद के डीमेरिट्स होते हैं, तो एमलगमेशन के डीमेरिट से बचने के लिए, एमलगमेशन के डीमेरिट से बचने के लिए इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो उसको बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग होल्डिंग कंपनी, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है माही। प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स खरीद ली है, 100% एक्वायर कर ली है उसके शेयर्स को, फुल कंट्रोल है उसका, तो इस टाइप की होल्डिंग कंपनी को बोलेंगे अपन प्रोप्राइटरी होल्डिंग कंपनी, ठीक है अंश। चलो मैं आगे बढ़ जाऊं अब, और किसी को कुछ पूछना है? सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? मिक्स्ड होल्डिंग, मिक्स्ड होल्डिंग का मतलब क्या होता है सुनो, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग, मिक्स्ड और ऑपरेटिव होल्डिंग इज सच अ कंपनी वेयर डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल मैटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू द डायरेक्टर ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड टू मेक द टास्क इजी। एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये इस कंपनी के भी डायरेक्टर है मान लो, ठीक है, तो इस कंपनी के भी डायरेक्टर है, इस कंपनी के भी डायरेक्टर है, और इसके कंपनी के फाइनेंशियल मैटर पर इन लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो इस टाइप की जो होल्डिंग कंपनी होगी उसको बोलेंगे मिक्स्ड होल्डिंग या ऑपरेटिव होल्डिंग कंपनी, ठीक है जानवी। चलो अब अपन आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की भी पहले मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम अंदर का डिस्कस करेंगे। मिनिमम मिनिमाइजेशन ऑफ कंपटीशन, सबसे पहले एडवांटेज क्या है, जिससे ना क्या हो जाता है, कंपटीशन का मिनिमाइजेशन हो जाता है, कम हो जाती है कॉम्पिटिशन में, रिडक्शन आ जाता है, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर था आपने उसको अपना ही बना लिया, तब कॉम्पिटिटर रहा क्या कोई? नहीं, तो इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है? हाँ बोलो, किसमें याद पूरा करना, एग्जाम में पूरा 13-14 या? हाँ ठीक है, जो एडवांटेजेस है जितने भी पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है, ज्यादा याद करके जाना तो एग्जाम में 2-4 पॉइंट ऐसे ही भूल जाते हो, तो ज्यादा याद किए रहोगे तो कम से कम जितना जरूरत है उतना तो याद आएगा, और पहले से ही कम याद करके जाओगे तो याद नहीं रहेगा फिर वो भी। चलो पहला एडवांटेज क्या है होल्डिंग कंपनी का,
कि कंपटीशन में क्या आ जाती है, मिनिमाइजेशन या रिडक्शन आ जाती है, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर है हमें उसको क्या बना के बैठ गए, अपनी सब्सिडरी बना लिए, और हमें उसको क्या करने लग गए, कंट्रोल। उसके बाद हाँ रिकॉर्डिंग होगी। सेपरेट स्टेटस, सेपरेट स्टेटस मतलब एमएल कमीशन में क्या होता है, एक कंपनी जाके दूसरे कंपनी में मिल जाती है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, मान लो दो कंपनी है तो बी लिमिटेड जाके किसमें मिल गई, ए लिमिटेड में, या फिर ऐसा होता है कि एक ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड खत्म कर दिए और जाके मिल गया किसमें, ए लिमिटेड में। तो एमएल कमीशन में क्या होता है कि एक कंपनी की एग्जिस्टेंस रह जाती है और बाकी की कंपनियों की एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन लेकिन होल्डिंग और सब्सिडरी के केस में दोनों कंपनी की अपनी अपनी क्या रहती है, एग्जिस्टेंस रहती है। सेपरेट अकाउंट एंड रिजल्ट, एमएल कमीशन में क्या है, कंपनी मिल जाती है तो उन लोगों को अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने। लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी में होल्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, सब्सिडरी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, बाद में होल्डिंग को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय क्या करना पड़ता है, कंसोलिडेट करके दिखाना पड़ता है। कंसोलिडेट मतलब उसमें मिला के दिखाना पड़ता है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू एमलगमेशन, एमलगमेशन एक बड़ी प्रोसेस है, बड़ी प्रोसेस, उसमें बहुत खर्चा आता है। होल्डिंग सब्सिडरी वाला सिस्टम में खर्चा कम आता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। रिडक्शन इन रिस्क, रिडक्शन इन रिस्क, रिडक्शन इन रिस्क मतलब होल्डिंग कंपनी कैन हैज नो रिस्क ऑन इट्स ओन कैपिटल इन केस सब्सिडरी कंपनी डू नॉट अर्न प्रॉफिट, देन होल्डिंग कंपनी कैन सेल शेयर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी एंड कैन रिकवर इट्स ओन कैपिटल। होल्डिंग कंपनी यहां पे मतलबी पना करेगी थोड़ा सा। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में क्या करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट। अब सब्सिडरी कंपनी चलते जा रही, प्रॉफिट होगा तो होल्डिंग कंपनी भी उसका मजा लेगी। अब जैसे ही यहां पे लॉस होने लग गया, होल्डिंग कंपनी को समझ नहीं आया, उसका शेयर को बेचो और खसको वाला हिसाब करेगी। तो यहां पर वही बोल रहा है, रिडक्शन इन रिस्क मतलब होल्डिंग कंपनी में अब ज्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन एमलगमेशन में क्या हो जाता है, एमलगमेशन में तो उसका बिजनेस उसमें मर्ज हो गया, अब चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो उसको तो झेलना ही है, अब अलग नहीं हो सकते। ठीक है, वो एक सिस्टम है डीमर्जर का, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल तो है और साथ में रिस्क भी रिड्यूस करता है। देखो आप लोग है ना, मेरे से एक सवाल मत करे करो कि कितने पेज लिखने हैं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, मैंने अपने बार बार ये बात आप लोगों के साथ शेयर किया हूं। सबसे पहली बात एक है ना, बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कॉलेज के थ्योरी पेपर्स में कि 5 पन्ना 10 पन्ना लिखना है आप लोगों को आंसर, ऐसा नहीं है भाई। आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन, चाहे वो 2 पेज में आए कि 3 पेज में आए कि 4 पेज में आए, आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपका एक आंसर लिखने का मैक्सिमम टाइम लिमिट है 35 मिनट। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा और 3 घंटे मिलेंगे आपको, तो 15 नंबर का एक आंसर करने के लिए आपको 35 मिनट मैक्सिमम टाइम अलॉटेड है। ठीक है, तो 35 मिनट के अंदर आप कितना बड़ा पेज, कितने पेज भर सकते हो, आपका आंसर उतना बड़ा होना चाहिए। अब मैं बोल दूंगा भाई निशांत कि आप एक काम करो 15 पेज का आंसर लिख कर आओ, 15 पेज लिखते लिखते आपका 2.5 घंटा ऐसे निकल गया, तो ये सही बात है क्या, नहीं ना। अब 35 मिनट आप अपनी कैपेसिटी देखो कि 35 मिनट में आप कितना लिख पा रहे हो, आपका आंसर उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर आप उससे को क्रॉस करोगे तो आपका पेपर छूटेगा, कंफर्म है। मैं सिर्फ ये बात निशांत को नहीं सबको बोल रहा हूं, ठीक है। 35 मिनट आप लोग इसका टैटू बनवा लो भाई हाथ में, आपका एक आंसर 35 मिनट से ज्यादा, जितना लिख पाते हो 35 मिनट में उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए 3 घंटे के पेपर के हिसाब से। उसमें भी आपके पास 5 मिनट आखिरी में बचेगा, धागा वागा बांधने के लिए काम आ जाता है वो। चलो आगे देखते हैं, इंक्रीज इन वर्किंग एफिशिएंसी। अब देखना, होल्डिंग कंपनी जो होती है सब्सिडी कंपनी को कंट्रोल करने लग जाती है। अब होल्डिंग कंपनी नो डाउट बड़ी कंपनी होगी, तो इसकी जो मैनेजेरियल एफिशिएंसी है, मैनेजेरियल कैपेबिलिटी है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसको कंट्रोल करेंगे, तो इसकी एक्सपर्टाइज जब इसको मिलेगी तो उससे क्या बढ़ने वाला है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी सब्सिडरी की। ठीक है, रिडक्शन इन प्राइजेस, रिडक्शन इन प्राइजेस। होल्डिंग और सब्सिडरी मिल जाने से क्या होता है, होल्डिंग अपनी कैपेसिटी को और सब्सिडरी अपनी कैपेसिटी को फुली यूटिलाइज कर पाएगी। तो जब कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन होता है ना, तो उस केस में फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना कम हो जाते हैं, और फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाते हैं तो मार्केट में उसका रिजल्ट क्या पड़ेगा, उससे प्राइस चीजों की कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगा तो आप उस चीज को सस्ता में बेच सकते हो ना। अगर आप कोई चीज महंगी महंगी बना रहे हो
तुम सीधी सी बात है महंगे में बेचोगे। अगर आप अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, आप मार्केट में प्राइस, आप कॉम्पिटेटिव प्राइस दे पाओगे, सस्ते में चीजों को बेच पाओगे। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थ, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थ, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस, इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। अब मान लो आप लोग कभी ऐसा सुने हो कि एक बंदे को लोन चाहिए, मान लो एक बंदा है इसको लोन चाहिए, लोन ये बैंक में गया, बैंक वाला बोलेगा हम आपको नहीं जानते, हम आपको कैसे लोन दें। अब मान लो कोई एक ऐसा तगड़ा आदमी इसके साथ गया, तगड़ा आदमी मतलब हेल्थ वाइज नहीं बोल रहा हूं, फाइनेंशियली बोल रहा हूं मैं, इसके साथ एक आदमी गया जो बैंक में बहुत बड़ा अकाउंट है उसका, वो मैनेजर को बोलता है भैया लोन दे दो, मेरा आदमी है, मैं गारंटी ले रहा हूं इसकी, तो बैंक वाला इसको लोन देगा कि नहीं देगा बोलो, क्योंकि ये सामने वाला गारंटी दे रहा है उसकी, मतलब इसके साथ एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड खड़ा है फाइनेंस का। तो वैसे ही अगर होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी है, तो होल्डिंग कंपनी अगर बहुत अच्छी खासी साउंड पोजीशन में है तो सब्सिडरी कंपनी को क्या मिल जाएगा, अच्छा खासा फाइनेंस मिल जाएगा, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी, लोग उसको आसानी से उधारी देंगे। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आगे हेल्प टू सब्सिडरी कंपनी, हेल्प टू सब्सिडरी कंपनी मतलब सीधी सी बात है कैसे मदद करेगी, सब्सिडरी कंपनी को पैसा देने में मदद करेगी, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने में मदद करेगी, ठीक है। अगर मान लो उसके पास कोई ऐसी चीजें है होल्डिंग कंपनी के पास, जो मान लो ऐसी कोई मशीनें हैं जिसमें प्रोडक्शन करने से सस्ते में चीजें प्रोडक्ट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो मतलब होल्डिंग कंपनी हर तरीके से अपनी सब्सिडरी कंपनी को मदद कर सकती है, जिससे सब्सिडरी कंपनी को कुल मिला के क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहां पर एक नाम लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी चीज होती है। होल्डिंग कंपनी ने मान लो बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करके रखा हुआ है किसी अपने प्रोडक्ट या सर्विस पर, वो R&D रिसर्च और डेवलपमेंट वो किससे शेयर करेगा, अपनी सब्सिडरी से, तो सब्सिडरी कंपनी को भी उसके प्रोडक्ट और सर्विस में फायदा मिलेगा कि नहीं, वो भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाएगी। आगे इक्वल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, होल्डिंग और सब्सिडरी में इक्वल पॉलिसी और इक्वल मैनेजमेंट और कंट्रोल चलेगा तो उनके बीच में हार्मोनी बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इजी इनफॉर्मेशन एज कंपेयर टू एमलगमेशन, एमलगमेशन एक थोड़ी सी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी कोई ज्यादा टेक्निकल, बस एक कंपनी को दूसरे कंपनी को क्या करना है, उसके शेयर्स को खरीदना है, तो ऑटोमेटिक वो किसकी क्या बन जाएगी, होल्डिंग बन जाएगी, तो ये इजी होता है होल्डिंग सब्सिडरी वाला स्ट्रक्चर। आगे कन्वीनियंट फॉर सेपरेशन, अब उनको अलग होना है, एमलगमेशन के केस में जब दो कंपनियां मिल जाती तो उनको अलग करने की भी बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है, डीमर्जर बोलते हैं उसको, लेकिन होल्डिंग कंपनी को क्या है, होल्डिंग कंपनी को शेयर बेच देना है, अपना अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद इलास्टिसिटी इन मार्केट, सॉरी इलास्टिसिटी इन मैनेजमेंट, इलास्टिसिटी इन मैनेजमेंट मतलब अब दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, इसके मैनेजर, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, इसके मैनेजर और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, तो कुछ हद तक ये कंपनी इस कंपनी को कंट्रोल करती है, लेकिन बहुत हद तक होल्डिंग कंपनी के यहां पर इंटरफेयर नहीं करती है। इलास्टिसिटी समझते हो ना, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है होल्डिंग सब्सिडरी के मैनेजमेंट में, मतलब कुछ हद तक कंट्रोल करेगी और कुछ हद तक कंट्रोल नहीं करेगी, अपने हिसाब से डिसीजन लेगी, तो इस टाइप का अगर कुछ है तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इन मैनेजमेंट। उसके बाद कंट्रोल ओवर मैनी कंपनी विथ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, कंट्रोल ओवर मैनी कंपनीज विथ वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, मेरा बोलने का मतलब है कि आप एक होल्डिंग कंपनी बना के बहुत सारी कंपनियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके। मान लो आपकी कंपनी है एच लिमिटेड, ठीक है, एक S1 है, S2 है और S3 है, ऐसे रख देता हूं। ये मान लो S2 जो है इसकी होल्डिंग है, S1 इसकी होल्डिंग है और H1 इसकी होल्डिंग है, तो इसने मान लो थोड़ा सा पैसा यहां इन्वेस्ट कर दिया और इसका है ना 60% शेयर एक्वायर कर लिया, तो बोलो एच लिमिटेड S1 का होल्डिंग बना कि नहीं बना। अब जैसे ही ये इसका होल्डिंग बना, मतलब इसका भी होल्डिंग बन गया और इसका भी होल्डिंग बन गया, मतलब इसका जो अब डिसीजन है एच लिमिटेड का S1 में भी चलेगा, S2 में भी चलेगा और S3 में भी चलेगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक होल्डिंग कंपनी बहुत सारी सब्सिडरियों को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो वही यहां पर बोलना चाह रहे, लास्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे, कंट्रोल ओवर मैनी
मैनी कंपनीज विथ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट्स कैरी फॉरवर्ड लॉसेस. कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आप लोगों ने ना, अभी आप लोग है ना इनकम टैक्स नहीं पढ़े हो, बीकॉम सेकेंड ईयर में हो. जब आप लोग फाइनल ईयर में जाओगे तो आप लोग इनकम टैक्स एक चैप्टर होता है वो पढ़ोगे. क्या होता है इनकम टैक्स जो होता है ना, टैक्स लगता है इनकम पर. आप जो भी इनकम कमाओगे उसके ऊपर लगेगा टैक्स. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कंपनियों को लॉस हो जाता है. क्या हो जाता है? लॉस. तो लॉस जो होता है तो एक कंपनी अपनी इनकम को दूसरी कंपनी के लॉस के साथ क्या कर देगी? एडजस्ट. मान लो एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है. होल्डिंग कंपनी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया. होल्डिंग कंपनी को कितने का फायदा हो गया? 1 करोड़ का. और सब्सिडरी कंपनी को मान लो 20 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया. लॉस. सब्सिडरी कंपनी को क्या हो गया? 20 लाख का लॉस हो गया. तो जब इन लोग अपना बैलेंस शीट दिखाएंगे, इन लोग क्या दिखाएंगे? अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस. तो जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे तो होल्डिंग कंपनी अपना प्रॉफिट कितना बताएगी? 80 लाख रुपए बताएगी. कितना बताएगी? 80 लाख. क्यों ऐसा? तो अब इनकम टैक्स वाला टैक्स किसके ऊपर लेगा? 1 करोड़ पर लेगा कि 80 लाख पर लेगा? 80 लाख. मतलब एक का प्रॉफिट में से दूसरे के लॉस को क्या कर दिए? एडजस्ट कर दिए. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ठीक है. अगर ये इस साल में नहीं एडजस्ट हो पाया तो अगले साल भी आप ले जाकर कर सकते हो. तो होल्डिंग कंपनी को इस तरीके का बेनिफिट मिल जाता है. हाँ कीर्तन बोलो. सर इसके नोट्स आप दे दोगे कि ये बुक में ही है पूरा? हेलो. हाँ कीर्तन बोलो. सर इसके नोट्स आप दोगे कि ये पूरा बुक में ही है? तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहला, कंपटीशन में रिडक्शन आ जाता है. दूसरा, सेपरेट स्टेटस रहता है. तीसरा, सेपरेट अकाउंट रिजल्ट होता है. मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो सेपरेट रिजल्ट देखने को मिलेगा. सस्ता सौदा है, मतलब एमलगमेशन से तो कम ही खर्चा आता है. उसके बाद रिस्क कम हो जाता है. उसके बाद वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है. प्राइजेस कम हो जाती है. क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाती है. हेल्प सब्सिडरी कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी को हेल्प करती है अपने रिसर्च डेवलपमेंट से, अपने एक्सपर्टाइज से. उसके बाद पॉलिसीज और मैनेजमेंट जो लगता है और कंट्रोल जो लगता है सब में इक्वल लगने लग जाता है. इजी इंफॉर्मेशन, ये काम करने में बहुत, मतलब फॉर्मेशन करने में इजी होती है. हाँ कीर्तन भेजूंगा नोट्स. उसके बाद कन्वीनियंट फॉर सेपरेशन, अलग होने में भी दिक्कत नहीं होती. मतलब बनाने में भी दिक्कत नहीं, अलग होने में भी दिक्कत नहीं. उसके बाद इलास्टिसिटी इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी दोनों का इलास्टिसिटी, मतलब अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं, होल्डिंग अपना सब्सिडरी अपना. उसके बाद कंट्रोल ओवर मैनी कंपनीज विथ लिटिल इन्वेस्टमेंट, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी बहुत सारी कंपनियों को कंट्रोल कर सकती है. और कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस. तो ये हो गया भाई 15 एडवांटेजेस. तो आप लोगों को जब समरी बनाओगे ना, तो समरी बनाओगे तो क्या करना, एक छोटी सी मीनिंग लिख लेना 3 लाइन की, 2 डेफिनेशन लिख लेना, ऑब्जेक्ट्स के जो जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए उतना उतना लिख लेना, होल्डिंग कंपनी के टाइप्स लिख लेना, नाम नाम लिख लेना. अंदर का चीज आपको याद रहेगा. 2 बार सुन लोगे ना ये वीडियो को दोबारा से फास्ट फॉरवर्ड करके, तो आप लोगों को जल्दी जल्दी आप रिकॉल रहेगा कि हमारी प्राइमरी होल्डिंग क्या होती है, एपेक्स होल्डिंग क्या होती है, पेरेंट क्या होती है, ऑफ स्प्रिंग क्या होती है. बस सुनना, बस है आपको याद रखना है उसकी चीजों को, रट के नहीं जाना है कोई चीज को. उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी, इसमें 15 पॉइंट दिए हैं तो कोई 8 पॉइंट याद रख लेना अच्छे अच्छे 15 में से 7 पॉइंट छोड़ दो, 8 पॉइंट याद रख के जाना पेपर में. ठीक है. यहां पर लिख देता हूं एनी 8 पॉइंट. तो एनी 8 पॉइंट लिख दे रहा हूं, लेकिन पेपर में आओगे तो 8 पॉइंट लिखोगे, तो आप लोग याद करके 10 पॉइंट चले जाना. ठीक है. 10 पॉइंट याद करके चले जाना. अब अपन आ जाए डिसएडवांटेजेस में. देखो डिसएडवांटेजेस क्या है. अब कंपटीशन खत्म हो जा रहा है तो वहां पे क्या क्रिएट होने वाली है? मोनोपोली. मोनोपोली मतलब एकाधिकार. एकाधिकार मतलब अब जो कंपनी है ना उससे अब नुकसान किसका होना है? कस्टमर का. क्योंकि एक ही कंपनी है उस प्रोडक्ट में डील करने वाली, तो अपनी मनमानी चलाएगी, तो मोनोपोली क्रिएट होगा. चांसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. बिजनेस में ओवर कैपिटलाइजेशन भी खतरनाक है. ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब होल्डिंग का पैसा अलग लगा है, सब्सिडरी का अलग लगा है, ज्यादा पैसा लग गया बिजनेस में, ओवर कैपिटलाइजेशन का चांसेस है. ये भी डिसएडवांटेज है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर मतलब होल्डिंग कंपनी के पास अगर पैसा ज्यादा है
तो उसका पूरा पूरा जो फाइनेंस का पावर है कहां कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, होल्डिंग कंपनी में। क्लियर है? आगे मिसयूज ऑफ फंड्स, ज्यादा पैसा होने से अब क्या हो जाएगा, फंड का मिसयूज। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स मतलब क्या होता है मालूम है, किसी कंपनी का तो नाम नहीं ले रहा हूं, कभी कभी होल्डिंग और सब्सिडरी वाला स्ट्रक्चर बना के सब्सिडरी को सिर्फ फ्रॉड करने के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे जीएसटी वीएसटी के ना हुए हैं केस, पढ़ना आप लोग पेपर वेपर पढ़ते हो फाइनेंस मैटर वाला, वो मतलब कुछ करते हैं उठा पटक उल्लो, तो इससे ना फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स, टैक्टिक्स मतलब कुछ कुछ फ्रॉडुलेंट एक्ट करने के लिए सब्सिडरी होल्डिंग वाला बनाया जाता है। उसके बाद नेग्लेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब समझते हो ना, मैंने प्रैक्टिकल्स करवाए थे तब बताया था कि होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी कंपनी को कुछ हद तक खरीदती है। मान लो एक होल्डिंग कंपनी है उसने 80% शेयर खरीद लिया अपने सब्सिडरी में, तो कितना परसेंट नहीं खरीदा, 20%, तो ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अब होल्डिंग कंपनी में होल्डिंग कंपनी का ही चलना है क्योंकि 80% है, किसका नहीं चलेगा, 20%, तो 20% जो है माइनॉरिटी है तो उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट। कंज्यूमर एंड लेबर्स आर नॉट बेनिफिटेड, कंज्यूमर एंड लेबर आर नॉट बेनिफिटेड, क्यों, इसका मेन कारण क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली होने के कारण किसको बेनिफिट नहीं मिलता है, कंज्यूमर को। अब मोनोपोली होने के कारण अब एक ही फैक्ट्री एक ही इंडस्ट्री है उस चीज से रिलेटेड, अब लोग जहां काम करने जाएंगे उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं कहीं जाके काम करने का, तो कुल मिला के लेबर का भी नुकसान और कुल मिला के किसका नुकसान, कंज्यूमर का भी नुकसान। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दिस कंपनी हैव एनमरस फाइनेंशियल पावर, मतलब होल्डिंग सब्सिडी के पास बहुत सारा फाइनेंशियल पावर होता है, तो इसलिए वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से भी जूझी हुई रहती है। एक बार पढ़ के देखते हैं, दिस कंपनी हैव एनमरस एनमरस फाइनेंशियल पावर सो दे आर सक्सेसफुल इन इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल पॉलिसीज बाय अनरीजनेबल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इंटर। अभी जो चल रहा है ना अदानी अंबानी वाला, राहुल गांधी बार बार बोलते रहता है कि ये कंपनी जो है सूट-बूट की सरकार है। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा अपना, क्या होता है जब कोई कंपनी बहुत बड़ी होती है ना, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं पिछली सरकारों में और अभी की सरकारों में, कि अभी जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसमें जो कंपनी है वो क्या करती, लॉबिंग अच्छी होती है गवर्नमेंट के साथ, तो अपने अकॉर्डिंग रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करवा देती है। तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं नेशनल पॉलिसीज को, नेशनल पॉलिटिक्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, मॉडिफाई करवा लेती है। क्लियर है? आगे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को अच्छे से टेक ओवर कर लिया है, टेक ओवर बोलने का मतलब उसके ऊपर कंट्रोल जमा लिया है, तो हो सकता है सब्सिडरी कंपनी के बहुत सारे इंटरेस्ट का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण, सुनी नहीं जा रही है सब्सिडरी वालों की बात, माइनॉरिटी वाले की बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी। अदर डिसएडवांटेजेस, बाय परस्यूइंग सब्सिडरी, सॉरी परस्यूइंग एक प्रेशरिंग है, बाय क्या लिखा हुआ है, हाँ, बाय प्रेशराइजिंग द सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी मे प्रमोट अनलॉफुल एक्टिविटी, इट प्रमोट स्पेकुलेशन। वही बोलने का मतलब है, ऊपर के पॉइंट को रिपीट किया है, होल्डिंग कंपनी मतलब अपना अनड्यू पावर एक्सरसाइज करेगी, बोलेगी कि भाई ये गलत काम करो, जैसे जीएसटी में फर्जी बिल बना के दो जो सही नहीं है, इस टाइप का काम करा सकती है होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी से। तो डिसएडवांटेजेस में कितने पॉइंट है, 10, तो इसका तो 10 ही पॉइंट याद करके जाना पड़ेगा। क्या क्या है, पहला बोलो मोनोपोली, दूसरा क्या था ओवर कैपिटलाइजेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, मिसयूज ऑफ फंड्स, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉडुलेंट टैक्टिक्स, नेग्लेक्टिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, कंज्यूमर एंड लेबर्स आर नॉट बेनिफिटेड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अदर डिसएडवांटेजेस। अदर डिसएडवांटेजेस मतलब होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को प्रेशराइज कर सकती है कि तुम अनलॉफुल एक्टिविटी करो या फिर किसी प्रकार के सट्टे को प्रमोट करो, सट्टा मतलब स्पेकुलेशन को प्रमोट करो। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्या 10 पॉइंट डिसएडवांटेजेस, याद रहेगा ठीक है। इसमें भी 10 याद करके जाना है, लेकिन पेपर में आप 7-8 लिखकर आ सकते हो। चलो दो मिनट बैठो ना, कौन सा कॉमर्स का कि किसका, बैठो थोड़ी देर मैं आ रहा हूं। फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनीज, तो ये आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काट दो। उसके बाद स्टेटमेंट, ये भी काट दो। रिपोर्ट, ये भी नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं ये नहीं पढ़ना है, नॉर्मल इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद अकाउंटिंग, ये भी छोड़ दो, काट दो। ये है, ये पढ़ना है आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है सुनो, कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स। कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के अकाउंट को मिला के दिखाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट। तो जब आप कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे, पहले तो यहां पर ये जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं, तो इसको मतलब बस समझ लो, इसको पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट मतलब होता है होल्डिंग कंपनी जो होती है उसके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं और सब्सिडियरी कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसको इसमें कॉन्सोलिडेट करके मिला करके दिखाना पड़ता है, तो उन अकाउंट्स को क्या बोला जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फाइनल अकाउंट्स या कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की प्रोसीजर, प्रिपरेशन करने की टेक्निक क्या क्या है आप लोगों को यहां पर बताना है। सबसे पहले वाइल प्रिपेयरिंग द कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट द होल्डिंग कंपनी हैज टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा, अच्छा मैं एक बार क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, पढ़ो यूनिट नंबर 5 हमारा क्या क्या हो चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग एंड सब्सिडरी, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। हाउ डू यू कंप्यूट द फॉलोइंग, ये अभी बचा हुआ है, मैं कराऊंगा ठीक है, अभी अलग छोड़ दो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, हो गया। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हो गया। आगे हाउ इज कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है बताओ, तो वही अब इसी क्वेश्चन का जवाब हम यहां पर देखेंगे। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, तो एक मिनट में आपके सामने रखा हो, आप इसको देखना। सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, हेडिंग। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, परचेस ऑफ शेयर। उसके बाद आगे तीसरे नंबर पर क्या आएगा, एडिशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। बस ये तीन ही टॉपिक है, तीन ही स्टेप है जो आपको फॉलो करने हैं। तो दो मिनट में स्क्रीन में रखा हूं, आप लोग इसको रीड करो, मैं आया ना। इसको रीड करो,
चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मतलब होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अच्छा एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा कौन? होल्डिंग बनाएगी कि सब्सिडरी? होल्डिंग कंपनी बनाएगी। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय होल्डिंग कंपनी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो यहां पर बोल रहा है। तो सबसे पहले बात किसका ध्यान रखना है? हेडिंग। हेडिंग मतलब हेडिंग में क्या लिखेगा? हेडिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट स्टार्ट विद द नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, देन द नेम ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, अलोंग विद द डेट ऑफ बैलेंस शीट, लाइक द हेडिंग ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच कंपनी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2020 विल बी एज अंडर। एक कंपनी है एच लिमिटेड, उसकी कंपनी सब्सिडरी वाली कौन सी है? एस लिमिटेड। उनकी सीबीएस बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो कैसे लिखोगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एस लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2020, ऐसा हेडिंग डालना जरूरी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाओगे ना तो भी ये हेडिंग लिखनी पड़ेगी, इसी में नंबर है, एक नंबर तो मिलेगा, नहीं लिखोगे तो नंबर काट सकता है चेक करने वाला। आगे परचेस ऑफ शेयर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इट इज नेसेसरी टू असर्टेन वेदर द होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड होल ऑफ द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और परचेस्ड मोर देन हाफ ऑफ द होल शेयर्स। इन बोथ द सिचुएशन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन डिफरेंट बेस। क्या बोलना चाह रहा है सुनो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? हेडिंग का। सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखना है? हेडिंग का। उसके बाद सेकेंड नंबर पर बोलता है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हैं उसका ध्यान रखो। दो कंडीशन हो सकती है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर खरीद लिए 100%, या फिर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर खरीद लिए मोर देन 50% शेयर खरीद के बैठ गए, या फिर 51% और मोर भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों सिचुएशन में कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग अलग बनती है, क्योंकि यहां पर जब 100% खरीद लेगी ना कंपनी तो यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं आएगी, लेकिन अगर 50% से ज्यादा खरीद रही है तो जितना पोर्शन नहीं खरीदी है उतने पोर्शन का अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा और बैलेंस शीट में लिखना पड़ता है रिजर्व एंड सरप्लस के बाद। तो दोनों सिचुएशन में अपने को यह ध्यान रखना है कि होल्डिंग कंपनी ने कितना परसेंट शेयर एक्वायर किया है। अब सुनना मेरी बात, तो जहां पर 100% शेयर खरीद के रखी है ना तो वहां पे कहीं पे कोई समस्या है नहीं, लेकिन जहां पे मोर देन 50% मतलब पूरे शेयर नहीं खरीदी है तो उस केस में अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रेशियो। क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो। मान लो सब्सिडरी कंपनी के टोटल 50,000 शेयर थे, मान लो सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल कितने शेयर थे 50,000, और होल्डिंग कंपनी ने टोटल 30,000 शेयर खरीदे हैं बस, तो बताओ इसका रेशियो कितना बनेगा? 3:5 बनेगा। मतलब सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने थे 50,000, होल्डिंग कंपनी ने कितने एक्वायर किए 30,000, तो होल्डिंग कंपनी का जो एक्विजिशन वाला पोर्शन है वो कितना है? 3:5, ये रेशियो बना। तो माइनॉरिटी वाला जो बनेगा वो कितना बनेगा? 2/5। जब 100% एक्विजिशन नहीं होगा तो आपको इस तरीके से क्या कैलकुलेट करना है? रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी के टोटल कितने शेयर है 1,00,000, सब्सिडरी कंपनी के टोटल कितने शेयर है 1,00,000, और होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर ले लिए हैं 80,000, तो ये आ जाएगा कितना? 4/5 आएगा। तो इसका जो माइनॉरिटी वाला शेयर आएगा वो कितना आएगा? 1/5, ऐसा। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा है, पढ़ते हैं। परचेस ऑफ शेयर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इट इज नेसेसरी टू असर्टेन वेदर होल्डिंग कंपनी हैज एक्वायर्ड होल ऑफ द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी और परचेस्ड मोर देन हाफ ऑफ द होल शेयर। इन बोथ द सिचुएशन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट विल बी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट बेसिस। दोनों ही केस में जो शेयर दोनों ही केस में बैलेंस शीट जो बनेगी अलग अलग तरीके से बनेगी। पहला,
When the holding company has ownership of all the share of subsidiary company or holding company has purchased all the share of companies. In such case, there are no minorities. ये जो जो मैं बोल के बता चुका हूं वही अब लिख कर ये बता रहा है. अगर कंपनी ने क्या करके रखा हुआ है, ऑल द शेयर्स को खरीद लिया है सब्सिडरी कंपनी के, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, नो माइनॉरिटीज. बस ये दो लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है. उसके बाद व्हेन द होल्डिंग कंपनी डज नॉट ओन ऑल द शेयर्स, जब होल्डिंग कंपनी ने सारे शेयर नहीं खरीदे हैं, तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा आपको, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आर कैलकुलेटेड. माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट का रेशियो निकालना पड़ेगा, जो मैंने आप लोगों को भी सिखाया है, वो यहां पर भी एग्जांपल देके बता रहे हैं. रेशियो ऑफ होल्डिंग कंपनी, जैसे कंपनी के पास मान लो कितने शेयर है, सब्सिडरी कंपनी के पास मान लो यहां पर कितने शेयर है, 10,000. होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर एक्वायर किए, 6,000. तो इसका 3/5 ये रेशियो बन गया. तो माइनॉरिटी का रेशियो क्या बनेगा, 2/5. ये सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को. और व्हेन परसेंटेज इज गिवन, अब क्वेश्चन में बोल दिया परसेंटेज दिया हुआ है, बोल देगा कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के कितने शेयर एक्वायर किए हैं, 80% शेयर एक्वायर किए हैं, दिया रहेगा परसेंटेज, तो क्या करोगे, तो जो बचा हुआ 20% है वो क्या है, माइनॉरिटी. व्हेन द फ्रैक्शन इज गिवन, अब क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दिया है, तो ये वाला काम करेंगे. अगर परसेंटेज दिया तो ये वाला काम करेंगे. कभी कभी नंबर ऑफ शेयर और आपको परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, फ्रैक्शन दिया रहेगा. तो मेजॉरिटी होल्डिंग कंपनी का 3/4 आ रहा है, तो माइनॉरिटी का कितना आएगा, 1/4 आएगा. इस तरीके से देखना है, ये देखो क्लियर है. तो सबसे पहले हम अभी क्या पढ़ रहे, पहले ये बताओ, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहली बात कौन सी ध्यान रखनी, हेडिंग. हेडिंग क्या लिखोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी साल होगा वो. होल्डिंग कंपनी जो होगी उसका नाम लिखना और सब्सिडरी कंपनी जो होगी उसका नाम लिखना, क्लियर है. दूसरा कि परचेस ऑफ शेयर, पहला तो था हेडिंग, दूसरा क्या था, परचेस ऑफ शेयर. परचेस ऑफ शेयर के केस में आपको दो स्थितियां देखने को मिलेगी. पहली कंडीशन क्या मिलेगी कि होल्डिंग कंपनी ने 100% शेयर खरीद के रखे हैं, और दूसरी स्थिति क्या मिलेगी कि होल्डिंग कंपनी ने 100% नहीं खरीदे लेकिन 50% से ज्यादा खरीद के बैठी है. तो 100% खरीद के रखी है तो वहां पे नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और अगर 100% नहीं खरीदी लेकिन 50% से ज्यादा खरीदी है तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है. क्वेश्चन में अगर शेयर्स के बारे में दिया नंबर ऑफ शेयर, तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है, जितना खरीदी और जितने शेयर थे वो होल्डिंग का रेशियो, जितना नहीं खरीदी अपॉन जितने शेयर थे वो माइनॉरिटी का रेशियो. कभी कभी नंबर ऑफ शेयर नहीं देगा तो आपको परसेंटेज दे देगा, बोले कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के 80% शेयर एक्वायर किए, तो ये होल्डिंग का शेयर आ गया, तो जो 20% है वो किसका आ जाएगा, माइनॉरिटी का. और कभी कभी नंबर ऑफ शेयर भी नहीं देगी और परसेंटेज भी नहीं देगी तो क्या दे देगी, फ्रैक्शन. 3/4 होल्डिंग का हिस्सा, तो जो बचा हुआ है वो 1/4 किसका आ जाएगा, माइनॉरिटी का, क्लियर है. उसके बाद अगला एडिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. अगला स्टेप क्या रहता है, जितने भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं, आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, वैसे तो मैं थ्योरी ही बता रहा हूं लेकिन जब प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं होल्डिंग सब्सिडरी का, तो आपको दो बैलेंस शीटें दी रहती है, एक होल्डिंग की दी रहेगी और एक किसकी दी रहेगी, सब्सिडरी की. तो होल्डिंग की बैलेंस शीट में और सब्सिडरी के बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी होते हैं सबको क्या करना रहता है, जोड़ जोड़ को दिखाना रहता है, सबको ऐड कर करके दिखाना रहता है, ठीक है. तो यहां पर लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को जोड़ के दिखाएगी. पहले पढ़ते हैं, देखो द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी आर शोन बाय एडिंग अप, बट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कौन कौन सी एसेट और लायबिलिटी को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है. पहला, इन द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एसेट साइड इन्वेस्टमेंट, ये इंटरवेंटमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, स्पेलिंग गलत है, ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है. ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है,
क्या नहीं दिखाना है सुनो, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में क्या क्या नहीं दिखाना है। पहले जनरल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में जितनी भी एसेट लाइबिलिटी होती है सबको जोड़ के दिखाना रहता है। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसको जोड़ के नहीं दिखाना रहता है, तो पहला लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। कौन सा अमाउंट जो सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है होल्डिंग ने वो। दूसरा, इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी शोन शेयर कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, गुडविल एटसेट्रा नॉट शोन इन बैलेंस शीट। इन द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी कंपनी शोन, अपन अभी पढ़ क्या रहे हैं, कौन कौन सी एसेट और लाइबिलिटी को नहीं दिखाया जाएगा वो बात हो रही है। तो पहला तो बताया इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, दूसरा सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल और सब्सिडरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब चीजों को मैं अगर एक ही नाम दूं तो क्या बोलूंगा, शेयर कैपिटल और इन सबको एक ही नाम दे दूं तो क्या बोलूंगा, रिजर्व एंड सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व और सरप्लस और सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल को होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेटेड बनाते समय नहीं दिखाया जाता है। लास्ट, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मतलब होल्डिंग और कंपनी के बीच, होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो लेन देन होते हैं, मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी को उधारी दिया तो होल्डिंग के बैलेंस शीट में वो क्या दिखेगा, डेटर, और सब्सिडरी के बैलेंस शीट में वो क्या दिखेगा, क्रेडिटर। तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। अभी हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन अगर है होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में तो उसको एलिमिनेट कर देते, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। तो बैलेंस शीट बनाते समय तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला किसका ध्यान रखना है, हेडिंग का। दूसरा, होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर खरीदे हैं सब्सिडरी में, उसका 100% है कि उससे कम। तीसरा, एसेट और लाइबिलिटी को जोड़ के दिखाना है। एसेट लाइबिलिटी को जोड़ोगे तो सारी एसेट लाइबिलिटी को जोड़ते हैं, लेकिन कोई कोई एसेट लाइबिलिटी को छोड़ देते हैं। तो कौन कौन सी तीन एसेट और लाइबिलिटी जिसको छोड़ना रहता है, पहला इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी, दूसरा शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी, और तीसरा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। ये तीन चीजों को नहीं दिखाना रहता है। क्लियर है? शॉर्ट नोट बोलने का मतलब कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है बताओ। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब सिंपल से इसको थ्योरिटिकली आप लोग लिखोगे, जब वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शेयर्स, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर आगे वही बोल रहा है कि अगर नेटवर्थ मतलब नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी को ही नेटवर्थ बोलेंगे, ऑफ द सब्सिडरी कंपनी लेस देन कॉस्ट ऑफ शेयर्स, देन द डिफरेंस इज कॉल्ड एज गुडविल, बट द नेटवर्थ इज मोर देन कॉस्ट ऑफ शेयर, द डिफरेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गुडविल शैल बी शोन एट द एसेट साइड व्हाइल द कैपिटल रिजर्व शैल बी शोन एट लाइबिलिटी साइड। नेट एसेट इज कैलकुलेटेड आइदर बाय डिडक्टिंग एक्सटर्नल लाइबिलिटी फ्रॉम टोटल एसेट और बाय एडिंग रिजर्व एंड सरप्लस टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी। सबसे पहले लिखोगे when value of net asset of subsidiary company, when value of net asset of subsidiary company is not equal to value of या फिर cost of shares acquired by holding company, then the difference between both is called as cost of control, COC। ठीक है, ये लिखना है, जब value of net asset जो है सब्सिडरी कंपनी का कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी के बराबर नहीं होगा तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब यहां पर अगले पॉइंट में लिखोगे, समरी जैसा लिखवा रहा हूं, अगले पॉइंट में लिखोगे व्हेन कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज ग्रेटर देन
वैल्यू ऑफ नेट एसेट, अगर कॉस्ट ऑफ शेयर्स की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी किससे, नेट एसेट से, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाएगा गुडविल। दूसरा, व्हेन कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट, तो जो डिफरेंस आएगा उनके बीच का उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, गुडविल जो होता है गुडविल उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब बनाओगे तो गुडविल को कहां दिखाओगे, एसेट साइड में, और जो कैपिटल रिजर्व जो आएगा उसको दिखाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो इतनी बातें लिखनी है तब आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले लिखना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मींस व्हेन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, देन द डिफरेंस बिटवीन बोथ इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर दो चीजें आती है, गुडविल आता है, कैपिटल रिजर्व आता है। तो गुडविल कब आएगा, जब कॉस्ट ऑफ शेयर जो है वो बड़ा होगा वैल्यू ऑफ नेट एसेट से, तो उस केस में आएगा गुडविल, और गुडविल को होल्डिंग कंपनी के जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे वहां एसेट साइड में दिखाओगे। और जब कॉस्ट ऑफ शेयर्स नेट एसेट की वैल्यू से छोटा होगा तो उस केस में डिफरेंस जो आएगा उसको कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे होल्डिंग कंपनी के कंसोलिडेटेड वाले। क्लियर है? चलो देखो अब अगला कॉन्सेप्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो सबसे पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लो, फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि उसकी मीनिंग क्या है, उसको लिखेंगे कैसे। क्या होता है, एक होल्डिंग कंपनी है और एक होता है सब्सिडरी कंपनी। एक होती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी होती है सब्सिडरी कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर्स टेक ओवर कर लेती है तो उस केस में नो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरा पूरा जो है मेजॉरिटी पोर्शन वो किसने ले लिया है, होल्डिंग कंपनी ने ले लिया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर होल्डिंग कंपनी ने मान लो 80% शेयर्स खरीद के रखे हैं सब्सिडरी कंपनी में, तो जो पोर्शन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में नहीं खरीदा है, जो पोर्शन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में नहीं खरीदा है उस पोर्शन को बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब इसको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी बोला जाता है। क्या होता है, होल्डिंग कंपनी ने मेजॉरिटी ऑफ शेयर खरीद के रखे हैं तो अब होल्डिंग कंपनी जो चाहेगी जैसा चाहेगी वैसा सब्सिडरी कंपनी में डिसीजन लेगी, वैसा कंट्रोल करेगी इसको। तो जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पोर्शन को, जो जो लेस होल्डिंग है जिनकी 50% से कम जिनकी होल्डिंग है उनको बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैलेंस शीट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट को रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो पहले एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। देखो क्या लिखा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अ पोजिशन वेयर शेयर होल्डर्स ओन्स लेस देन 50% वैल्यू ऑफ नेट एसेट इन सब्सिडरी कंपनी। जो शेयर होल्डर है वो 50% से कम ओन कर रहे हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट का सब्सिडरी कंपनी में। वैल्यू ऑफ नेट एसेट को अपन नेटवर्थ भी बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ एसेट को अपन नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। जो शेयर होल्डर्स है सब्सिडरी कंपनी के जिनका 50% से कम ओनरशिप है सब्सिडरी कंपनी के नेटवर्थ में या वैल्यू ऑफ नेट एसेट में, तो इस पोजीशन को बोला जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट या फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले अपने को लेना है सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय करेंगे परसेंटेज नॉट टेकन ओवर, जो होल्डिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किए हैं वो परसेंट, प्लस जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो परसेंट टेक ओवर नहीं हुआ है, और
टोटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी नॉट टेकन ओवर, मतलब जो पर्सन टेक ओवर नहीं कर रही है उसका अपन कैलकुलेशन करेंगे और परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सब है ना एक्चुअली नेटवर्थ को ही डिफाइन कर रहा है। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व और रिजर्व सरप्लस, ये सबको जोड़ दोगे तो नेटवर्थ ही मिलता है। तो नेटवर्थ को मल्टीप्लाई कर देना है जो परसेंट से टेक ओवर नहीं कर रहे हैं वो, तो आपको जो अमाउंट मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी इसके पहले बताया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब बेसिकली आप लोगों के शॉर्ट नोट्स में पूछेगा, शॉर्ट नोट्स में। चलो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस ये भी शॉर्ट नोट में आप लोगों से पूछ सकता है। पहले इसका मतलब समझो, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है। एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है, तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में आपस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उन ट्रांजेक्शन को बोला जाता है क्या, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अपनी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है, जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी अपनी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है तो उस कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में से इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को हटा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है, और एक सब्सिडरी कंपनी है, ये उसकी बैलेंस शीट है। तो होल्डिंग कंपनी में मान लो क्रेडिटर दिख रहा है 50,000 का, तो ये जो क्रेडिटर है ये कोई नहीं है, ये सब्सिडरी कंपनी से होल्डिंग कंपनी में उधार में माल खरीदा रहा होगा, तो सब्सिडरी कंपनी के डेटर में दिखेगा 50,000। मतलब आपसे अगर कोई उधार में खरीद रहा है तो आपका डेटर, और आप अगर किसी से उधार खरीदे तो आपका वो क्रेडिटर हो जाएगा। तो होल्डिंग कंपनी ने मान लो सब्सिडरी से अगर कुछ उधार खरीदा है तो अपने क्रेडिटर में दिखाएगा, और वही चीज को सब्सिडरी का दिखाई अपने डेटर में। तो जब इन लोग अपनी कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस केस में जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है इस टाइप का, उसको एलिमिनेट कर देना है। उसको क्या कर देना है, एलिमिनेट, हटा देना है उसको, ठीक है। तो यहां पर देखो उसी को अब लैंग्वेज में, मतलब आपको पेपर में अगर लिख के आना रहेगा तो कैसे लिखोगे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, द म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इज कॉल्ड इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। वाइल प्रिपेयरिंग कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट सच म्यूचुअल ट्रांजेक्शन आर एलिमिनेटेड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन या म्यूचुअल ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब नहीं लिया जाता है। द मेन ट्रांजेक्शन आर एज अंडर, द मेन ट्रांजेक्शन आर एज अंडर, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, पहले बता रहा है डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही यहां पर लिख दिया है, क्या है, डेटर्स और क्रेडिटर्स। दूसरा है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, दूसरा है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। तीसरा है लोन एंड एडवांसेस, चौथा है इंटर कंपनी डिबेंचर्स। चार आइटम मैंने बताया आप लोगों को क्या क्या, पहला है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल, लोन्स एंड एडवांसेस, और इंटर कंपनी डिबेंचर्स। क्या है सुनो, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया वो एग्जाम्पल हो गया आपका डेटर और क्रेडिटर का। अब दूसरा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, दूसरा है बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है, मान लो एक कंपनी है होल्डिंग कंपनी और दूसरी कंपनी है सब्सिडरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी ने अगर कुछ सामान उधार में बेचा है सब्सिडरी कंपनी को, तो सब्सिडरी कंपनी उस उधार के बदले अगर होल्डिंग कंपनी को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दे देती है और उसमें वादा करती है कि मैं आपको इतने दिन में पैसा लौटा दूंगी इस चीज का, तो ये जो कागज सब्सिडरी कंपनी ने दिया उसको बोलेंगे बिल्स। तो ये बिल के एवज में होल्डिंग कंपनी को पैसा मिलना है और इस बिल के एवज में सब्सिडरी कंपनी को पैसा देना है, तो जिस कंपनी को पैसा लेना रहता है वो होल्डिंग कंपनी इसको बोलेगी बिल्स रिसीवेबल उसी कागज को, और उसी कागज को सब्सिडरी कंपनी क्या बोलेगी, बिल्स पेबल। जिसको पैसा लेना रहता है उस कागज के एवज में
उसको बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल, मतलब होल्डिंग कंपनी अपने बैलेंस शीट में उसको बिल्स रिसीवेबल के कैटेगरी में क्लासिफाई करेगी, और बिल्स पेबल को सब्सिडरी कंपनी रखेगी अपने लायबिलिटी में कैटेगराइज करेगी। क्लियर है? ये भी प्रकार का एक बार डेटर क्रेडिटर जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे डेटर क्रेडिटर में कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता, बिल्स पेबल और रिसीवेबल में रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को मान लो लोन दिया है, होल्डिंग कंपनी ने मान लो सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है, तो होल्डिंग कंपनी अपने एसेट साइड में दिखाएगी और सब्सिडरी कंपनी उसको अपने लायबिलिटी साइड में दिखाएगी, तो ये भी एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो गया। तो जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस तरीके का लोन एडवांसेस जो म्यूचुअल लोन लिया हुआ है दिया हुआ है उसको अपन एलिमिनेट कर देंगे। सबसे पहली बात, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को लेते ही नहीं है बैलेंस शीट बनाते समय। ठीक है, तो उसमें पहला आ गया डेटर क्रेडिटर, दूसरा बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, तीसरा आ गया लोन्स एंड एडवांसेस, चौथा इंटर कंपनी डिबेंचर्स। इंटर कंपनी डिबेंचर्स का मतलब होता है मान लो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखा है। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर में क्या करके रखा हुआ है, इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके का डिबेंचर अगर इन्वेस्टेड है तो होल्डिंग कंपनी के एसेट साइड में दिखेगा वो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, और सब्सिडरी कंपनी के डिबेंचर लायबिलिटी साइड में दिखेंगे। तो इस तरीके का अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी में डिबेंचर्स में, तो उसको बोलेंगे इंटर कंपनी डिबेंचर्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चार प्रकार के इंटर कंपनी ट्रांजेक्शंस बताए हैं। पहला डेटर्स क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल, तीसरा लोन्स एंड एडवांसेस, चौथा इंटर कंपनी डिबेंचर्स। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है, उनके बीच में आपस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको ही बोला जाता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं, चार एग्जाम्पल है, डेटर क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, लोन्स एंड एडवांसेस और इंटर कंपनी डिबेंचर्स।